यार ये हो क्या रहा है भाई। देखो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन इस जवान ने मेरे दिमाग को खराब कर रखा है भाई। तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये दिमाग जो खराब हुआ पड़ा है उसको कौन ठीक करेगा। देखो बात इतनी सी है कि कल रेड चिल्लीज को छोड़कर बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कह दिया कि भाई जवान जो है वो तो पोस्टपोन हो चुकी है। अब जवान मूवी रिलीज होगी अगस्त में। एंड ऑडियंस वेर कन्विंस्ड, हाँ वो लोग परेशान तो थे ऑडियंस, लेकिन दे वर कन्विंस कि हाँ भाई ठीक है पोस्टपोन ही कर दो, क्योंकि अगर सच में पिक्चर को आना होता तो अब तक हम लोगों को टीजर ट्रेलर कुछ तो देखने को जरूर मिल जाता। लेकिन जब कुछ देखने को नहीं मिला तो फिर हम लोग भी कन्विंस हो गए कि ठीक है भाई अब अगस्त में आएगी तो फिर अगस्त में देखा जाएगा, इसलिए मैंने भी वीडियो नहीं बनाई कुछ। लेकिन फिर आज शाम को जब मैं मस्त आराम कर रहा था और वेट कर रहा था कि रात को मेरा शो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, हाँ भाई मतलब कि कुछ आज प्रॉब्लम्स हो गई थी तो इसलिए मैं दिन में नहीं जा पाया, तो लेट नाइट शो है मेरा, तो कल गार्डियंस के ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ, शाम को मैं मस्त सोया हुआ था कि यार आज रात को गार्डियंस देखने के लिए जाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन फिर न्यूज़ आती है न्यूज़ 18 की तरफ से कि भाई जवान मूवी 2 जून को ही आएगी और उसका जो ट्रेलर है वो IPL के फाइनल में आएगा। अब देखो अगर ये न्यूज़ कोई और देता तो मैं इसको एक बार में ही बोल देता कि हाँ भाई फेक है, लेकिन जब न्यूज़ 18 वालों ने कहा है तो मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने देखा कि भाई चलो देख लेते हैं कि IPL खत्म कब हो रहा है। तो मैंने देखा कि IPL का जो फाइनल है वो 28 तारीख को, इस महीने के 28 तारीख को उसका फाइनल है। मतलब कि अगर 28 तारीख को जवान का ट्रेलर आता है तो फिर ट्रेलर के रिलीज डेट और मूवी के रिलीज डेट में सिर्फ 4 दिनों का फासला होगा, सिर्फ 4 दिनों का। देखो यार मैं ये तो जानता हूं कि हमारे जो रेड चिल्लीज वाले हैं शाहरुख खान है, वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी पिक्चर को लेकर, और वो लोग जानते हैं कि हमारी पिक्चर अच्छी बनी है इसलिए वो लोग ज्यादा प्रमोशन भी नहीं कर रहे। लेकिन भाई फिर भी 4 दिन पहले ट्रेलर डालोगे तुम पिक्चर का और तुम उम्मीद करोगे कि पिक्चर हिट हो जाएगी। हाँ भाई फैंस तो चले जाएंगे, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है, यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेलर आने के 10 दिन बाद उसको देखते हैं, तो उनका क्या, जो 15 दिन बाद देखते हैं उनका क्या, अरे भाई जो 25 दिन बाद ट्रेलर देखते हैं उनका क्या। देखो यार मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहने वाला, ये जवान जो है ना ये पिक्चर नहीं मेरे लिए चेस का गेम हो गया है, जिसमें मेरे को रोज दिमाग लगाना पड़ रहा है कि अगली चाल क्या होगी, अगली मेरी वीडियो क्या होगी। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ऑडियंस का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, और अगर मैं वैसा बोलूंगा तो पता नहीं कितने लोग मेरे को गालियां देंगे। इसलिए भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं बस एक ही बात पर रहूंगा कि भाई पिक्चर है, पिक्चर को ही रहने दो, पिक्चर के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपना काम करो, धंधा करो। पिक्चर आएगी तो भाई हम लोग सब मिलकर मजे लेकर देख लेंगे पिक्चर को। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ सिनेमा, आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ना ही जवान मूवी को देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, ना ही इसको देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो भाई इट्स जस्ट अ मूवी, तो जब भी आएगी देख लेना और ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। देखो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता क्योंकि यार थोड़ा गला बैठा हुआ है, तबीयत खराब है। तो यही न्यूज़ थी मैंने दे दी तुम लोगों को, बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।